जितने भी PHP के इंस्टीट्यूट होते हैं बेसिकली वो जो उनका कोर्स स्ट्रक्चर होता है मुझे किसी का भी कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि उनमें वो लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बता देते हैं पर उनके यूजेस उतने अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। हे गाइस, इट्स डेव निंजा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं PHP के अंदर, MySQL के अंदर, और कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए अगर तुम एज अ फ्रेशर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कंपनी क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखती है कैंडिडेट से, किसको ये आता होगा अगर वो फ्रेशर है तो, या उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो। हम इसमें हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि तुम्हें PHP में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने चाहिए, MySQL में क्या क्या आना चाहिए, राइट, एंड देन तुम्हें किस टाइप के प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, ठीक है, और कुछ एक दो छोटी मोटी चीज़ें और है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। साथ में मैं यही बताऊंगा कि तुम्हें अगर वो नहीं आता तो तुम कैसे सीख सकते हो, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर लोग सोच रहे हैं कि मैंने ये वाइट स्क्रीन अपने सामने खोल के क्यों बैठी है, तो ये जो है वो इसलिए खोल के बैठी, मैंने हाल में खरीदा है वैकॉम का टैबलेट जो कि एक ड्राइंग टैबलेट है, राइट। मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये बड़ा ही मज़ेदार टेक्नोलॉजी है, मैं पेन की तरह सिस्टम पे लिख सकता हूँ जैसे मैं पेपर पे लिख रहा हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने सोचा कि खरीदते हैं, काम आएगी, ठीक है। मैं इसे ड्राइंग्स बनाता हूँ, मुझे स्केचिंग पसंद है, मुझे एनिमेशन पसंद है, जिनको नहीं पता तो मैं पार्ट टाइम सेव कर देता हूँ, तो ये वैसे इस सबसे तुम्हें कह लेना, ठीक है। तो अगर तुम्हें वैकॉम का टैबलेट खरीदना है फिर भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम वहाँ जाके अमेज़न से खरीद सकते हो। छोटा वाला 3700 के आसपास का है, बड़ा वाला शायद 5000 कुछ का है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे मर्जी खरीद लेना, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें क्या सीखना है, मतलब जो HTML, JavaScript और CSS है इसमें तो कोई ऑप्शनली नहीं है, ये तूमें पता होना ही चाहिए एकदम, मतलब तुम्हें तूफ़ान या तोपची होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मतलब HTML, JavaScript और CSS के बेसिक नॉलेज रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी हम बैकएंड में काम करते हैं, राइट, उसको फ्रंट एंड में इंप्लीमेंट करना होता है, तो अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि फ्रंट एंड में चीज़ें कैसे काम करें तो तुम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए HTML, CSS और JavaScript, या HTML, JavaScript, CSS, ये तो सीखना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। बेसिक सीख लेना एकदम, तुम्हें इसमें PhD लेवल का सीखने की जरूरत नहीं है, राइट। मतलब तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है एक दूसरे के साथ, कैसे कोलैबोरेट करके वर्क करते हैं, राइट। इसके बाद जो चीज़ आती है ये फ्रंट एंड के लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि फ्रंट एंड, अब तुम बोलोगे कि PHP में फ्रंट एंड सीखने की क्या जरूरत है, यार देखो PHP में जितना भी काम होता है बैक एंड का, डेटाबेस को, सारा हम मेन में आके फ्रंट एंड से ही जोड़ते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर फ्रंट एंड तुम्हें डिज़ाइन करने के लिए नहीं बोला जाएगा, राइट। बट तुम अगर एज ए PHP डेवलपर काम करो तो वो ये मान के चलेंगे कि तुम्हें फ्रंट एंड की बेसिक नॉलेज है, तो वो छोटे मोटे चेंजेस तुम्हें बोले करने के लिए, तो ये तुम ऐसा ना बोलोगे सर मुझे तो फ्रंट एंड ही नहीं था, मैं नहीं करूँगा, तो ये अच्छा नहीं लगता, राइट। तो तुम्हें फ्रंट एंड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए HTML, JavaScript, CSS की, साथ में बूटस्ट्रैप और jQuery की भी। तो अब बूटस्ट्रैप और jQuery क्या है, तो बूटस्ट्रैप जो है वो JavaScript, CSS पे बना हुआ एक फ्रेमवर्क है, jQuery एक लाइब्रेरी है JavaScript की। तो बेसिकली ये दो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं PHP डेवलपमेंट के अंदर, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ईजी हैं दोनों के, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ईजी है। अगर तुम jQuery सीखना चाहते हो YouTube पे सर्च कर लो, आराम से अच्छी खासी वीडियो मिल जाएंगी। सेम HTML, JavaScript, CSS के लिए भी YouTube पे फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट जाके मत सीखने लग जाना, इंस्टीट्यूट जाके सीखना वही सीखना भाई जिसके पास पैसा वेस्ट होने के लिए बहुत सारा पैसा हो, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप और jQuery सीख लेना, ये 5 चीज़ें तो मस्ट हैं, ठीक है। इसके बाद अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, जैसे एंगुलर हो गया, राइट, या Vue.js हो गया, जो भी तुम्हारी मर्जी हो। तो मैं ये 5 चीज़ें रिकमेंड करता हूँ फ्रंट एंड के लिए, तुम्हें इतना आना चाहिए। अब बैक एंड में आ जाते हैं, तो बैक एंड में हमें क्या आना चाहिए, बैक एंड में आ जाते हैं। अब बैक एंड में जाहिर सी बात है हमें PHP और MySQL सीखना पड़ेगा, राइट। PHP के साथ तुम कोई और डेटाबेस भी सीख सकते हो, बट रिलेशनल डेटाबेस के अंदर MySQL सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है PHP, मतलब सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लोग हैं यूज़ करने में इसको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, तो इसलिए PHP MySQL सीखना। तो ये हो गई कुल मिला के हमारे पास 7 चीज़ें जो तुम्हें अगर PHP डेवलपर के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इतना तो तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है। ये सीख लेना, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना अच्छे से, यानी कि बस सीख लिया फिर भूल गए। अब हम आ जाते हैं, अब इतना हमें पता चल गया कि हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है, राइट। अब हम आ जाते हैं PHP के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे जो कि तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, राइट। देखो, सबसे पहली चीज़ जो है तुम्हें पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है, किसमें डिफरेंस क्या होता है, सिंगल डॉलर साइन में, डबल डॉलर साइन में, ठीक है। तुम सोच रहे हो कि सिंगल डॉलर साइन तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, डबल डॉलर साइन का क्या यूज़ होता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि सिंगल डॉलर साइन और डबल डॉलर साइन का डिफरेंस क्या होता है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो डबल कोटेशन है इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, या सिंगल कोटेशन है इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, तुमने देखा होगा अगर तुम PHP सीख चुके हो, राइट, और तुम्हें पता है कि इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, तो तुमने देखा होगा हम इसका इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने के लिए कि दोनों साइड की वैल्यूज़ इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली लोगों को पता ही होता है, बट बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि ये क्या है,
ये ट्रिपल इक्वल टू का क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। मैं इस वीडियो में ये नहीं बता रहा हूँ इनका इस्तेमाल क्या हो, राइट, क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ ये तुम गूगल कर लोगे तो तुम मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सब का डिफरेंसेस तुम्हें पता होना चाहिए अच्छे से, राइट। हम दूसरी चीज़ पे आते हैं, वेरिएबल्स, स्कोप्स एंड फंक्शंस। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल के स्कोप्स कौन से होते हैं, बेसिकली लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स का क्या यूज़ होता है फंक्शंस के अंदर, ठीक है, कैसे फंक्शन से रिलेट करते हैं। फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फंक्शन के अंदर हम जो पैरामीटर पास करते हैं, विदाउट पैरामीटर फंक्शन कैसे बनाते हैं, पैरामीटर वाला फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन में हम एरे को कैसे पास करेंगे एज अ पैरामीटर, फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड का क्या इस्तेमाल होता है, ये तो ये सब चीज़ें हैं। अब बेसिकली बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फंक्शन से, कि फंक्शन और स्कोप से रिलेटेड बहुत बार इंटरव्यूअर जो होता है वो क्वेश्चन पूछता है, तो एक कॉमन चीज़ है। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, स्कोप्स के बारे में पढ़ लेना कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाते हो उसको बाहर एक्सेस कर सकते हो कि नहीं, ठीक है, दूसरे फंक्शन को किसी और फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो कि नहीं, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बना रहे हो क्या उसे फंक्शन के बाहर एक्सेस कर सकते हो कि नहीं, तो ये सब चीज़ें समझ लेना। और ये सब चीज़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इंटरव्यू घुमा फिरा के पूछता है इनमें से क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, राइट, ये हमारा हो गया। अब आते हैं एरे एंड इट्स फंक्शन में। अब एरे पे जो मतलब एरे में क्या क्या है सीखने के लिए, एरे में बेसिकली 2D एरे है, राइट, 3D एरे है, 4D एरे है, मल्टी मतलब 2D एंड मल्टी डायमेंशनल एरे है, ठीक है। तो अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास होता है इंडेक्स्ड एरे, ठीक है, एसोसिएटिव एरे एंड इंडेक्स एरे क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे एरे में अगर तुमने ऑलरेडी एक एरे बना रखी है उसमें तुम्हें एक नया एलिमेंट पुश करना है तो कैसे पुश करोगे, राइट, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, एरे के अंदर जैसे एरे के अंदर 1, 2, 3, 4 सिर्फ नंबर उनको सम करना है तो कैसे करोगे, तो छोटे मोटे फंक्शंस हैं एरे के, तुम्हें ये पता होना चाहिए, राइट। तो ये भी चीज़ तुम गूगल कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। मैं यहाँ पे अगेन बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे डिटेल में चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ, मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, राइट, जो तुम्हें पता होनी चाहिए पहले से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेशन एंड कुकीज़ की। सेशन एंड कुकीज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में लॉगिंग सिस्टम्स होते हैं, राइट, और वहाँ पे सेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई या कोई सी वेबसाइट हो गई जिसमें रजिस्ट्रेशन सिस्टम है या लॉगिन सिस्टम है, तो वहाँ पे सेशन एंड कुकीज़ का बहुत ही बड़ा रोल है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये समझने में काफ़ी इजी है, राइट, तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसे भी एक बार समझ लेना। अब हम आ जाते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट। अब ऊप्स ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसे बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं PHP सीखते वक्त। ऊप्स क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और तुम्हें ये सिर्फ यहाँ नहीं, जावा सीखोगे तो मिलेगी, C++ में मिलेगी, राइट, पाइथन में भी मिलेगी। तो ऊप्स बेसिकली एक तरीके का कोड लिखने का तरीका होता है, राइट, जिसमें हमें क्लासेस के बारे में सुनने के लिए मिलेगा, राइट, हमें प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स क्या होते हैं, पब्लिक फंक्शन क्या होते हैं, पब्लिक वेरिएबल्स, प्राइवेट वेरिएबल्स, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब हमें सीखने को मिलेगा, राइट, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं क्लासेस का यूज़ करके, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, डेटा हाइडिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं तुम्हें अगेन नहीं समझा रहा, ये चीज़ भी तुम गूगल कर लोगे तो मिल जाएगी, मैं तुम्हें बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें चीज़ें डिटेल में क्यों नहीं बता रहा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है तुम्हें पता होना चाहिए PHP के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं क्रड ऑपरेशन इन डेटाबेस में, राइट। अब देखो, तुम्हें डेटाबेस में भले उतनी महंगी महंगी चीज़ें बनानी ना आती हो, जैसे कि एकदम मतलब YouTube लेवल का वीडियो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर ना बनाना आता हो, लेकिन क्रड एक ऐसा ऑपरेशन है। क्रड बेसिकली क्या होता है, क्रिएट, ठीक है, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये चीज़ें जो हैं, ये चार ऑपरेशंस तुम्हें परफॉर्म करने आने चाहिए तुम PHP में जो फॉर्म बनाओगे HTML में, राइट, उसका यूज़ करके कैसे डेटाबेस में कोई भी डेटा क्रिएट कर सकते हो, उस डेटा को रीड कैसे कर सकते हो, उस डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हो, एंड देन उस डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये मैंने अपने वीडियो में, अपने चैनल पे भी इसके क्रड ऑपरेशन के रिलेटेड वीडियो बना रखी है, तो तुम चाहो तो उसको देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, नहीं तो तुम गूगल कर लो या यूट्यूब कर लो, मेरे से समझदार लोग भी हैं बहुत सारे, राइट। तो अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे है इफ़ एल्स एंड टर्नरी ऑपरेटर। अब बहुत लोगों को तो पता होगा कि इफ़ जैसे हम इफ़ क्या है, बेसिकली इफ़ यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो रही होती है तो ये ब्लॉक चलता है, और फॉल्स हो रही होती है तो एल्स का चलता है, राइट। तो ये चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है, इफ़ एल्स क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, भाई इफ़ एल्स तो चलो सुना है हमने, टर्नरी ऑपरेटर क्या सुना है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, तो टर्नरी ऑपरेटर बताता हूँ क्या होता है।
टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली तुमने अगर देखा होगा, अगर कोई मेरी ही वीडियोस देखी होंगी बहुत सारी, या इंटरनेट पर और कोई प्रोग्रामिंग की वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पे देखा होगा यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं टर्नरी ऑपरेटर में, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ पे अगर ट्रू होता तो ये वाली स्टेटमेंट चलती है और फॉल्स होता है तो ये वाली स्टेटमेंट चलती है, ठीक है। तो ये इफ एल्स का बेसिकली शॉर्ट हैंड वर्जन है, राइट। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स को शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए, राइट। इफ एल्स अगर तुम्हें बड़ा नहीं लिखना तो इसमें तुम मल्टीपली भी क्रिएट कर सकते हो ये सारे। तो इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। लूप्स एंड डिफरेंट इन इट। अब देखो, जैसी बात है, जब हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, बैकएंड की बात कर रहे हैं, तो हमें डेटा मैनेज करना होता है, राइट। तो हमें लूप्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, और एक और लूप होता है चौथा टाइप का, जो कि होता है फॉर ईच लूप, ठीक है। तो ये सबके यूजेस क्या हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या है, ये भी तुम्हें पता होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि लूप्स एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है। हम डेटा हैंडल करने के लिए बहुत बार यूज़ करते हैं, डेटा फैच करने के लिए भी लूप का यूज़ करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज़ है, डिफरेंस बिटवीन एंड 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 और ऑपरेटर। ये बेसिकली एंड ऑपरेटर है एंड ये और ऑपरेटर है। तो इसमें ये पूछेगा, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, इनका इस्तेमाल हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में करते हैं, इफ एल्स के अंदर या टर्नरी के अंदर, तो इनमें डिफरेंसेस क्या है, एंड एंड और में डिफरेंस क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने यहाँ पे सिर्फ वही कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे। अभी तक मैंने जितने जगह इंटरव्यूज़ दिया, जिन लोगों ने इंटरव्यूज दिया, उनके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, राइट। तुमने अगर मेरी वीडियोज़ देखते हो तो तुमने देखा होगा, बहुत बार हम क्या करते हैं, ऐसे वेरिएबल का नाम लिखते हैं, राइट, एंड इसके आगे प्लस प्लस लिखते हैं, राइट। तो ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, ऐसी नेगेटिव नेगेटिव लिखते हैं, ये एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। ये पहले भी लगता है, प्लस प्लस ऐसे भी लगता है, और माइनस माइनस इसके पहले भी लगता है। तो इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बेसिकली ये वन से वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं उसमें, जो नंबर होता है उसकी। तो बाकी तुम और जानना चाहते हो उसको नेट पर सर्च कर सकते हो, आराम से मिल जाएगी इसके बारे में वीडियो, ठीक है, ये भी हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एजेक्स रिक्वेस्ट। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें एजेक्स रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। जैसी बात है, अब देखो एजेक्स में तुम्हें जेक्वेरी यूज़ आ जाएगी, जैसी बात है, तो जेक्वेरी का यूज़ करके हम एजेक्स रिक्वेस्ट भेजते हैं पीएचपी के अंदर। तो इसलिए मैंने कहा था कि जेक्वेरी सीख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। साथ ही हमें यह पता होना चाहिए कि जब एजेक्स रिक्वेस्ट तुम भेजोगे तो वहाँ पे दो तरीके मेथड यूज़ होते हैं, मेनली पोस्ट एंड गेट। इनमें डिफरेंस क्या होता है, जब तुम कोई फॉर्म सबमिट करते हो तो भी तुम्हें मेथड देना होता है कि पोस्ट मेथड या गेट मेथड, तो इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। पोस्ट बेसिकली इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है, गेट जो होता है यूआरएल में जाता है, तो मतलब तुम नेट पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अगेन अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शंस है पीएचपी के अंदर जो कि मस्ट तुम्हें पता होना चाहिए उनका यूज़ क्या है। जैसे कि डिफाइन फंक्शन का यूज़ क्या है, डिफाइन बेसिकली कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए होता है। वार डंप का यूज़ क्या है, वार डंप बेसिकली क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को डंप करने के लिए, मतलब उसके अंदर क्या है, उसके तड़िया पतड़िया निकाल के सामने रख देता है कि भाई साहब इसकी स्ट्रिंग है, इसकी ये वैल्यू है, ये डेटा है, जो भी। प्रिंटर क्या होता है, अब देखो कोई तुम्हें स्ट्रिंग प्रिंट करने तो तुम इको फंक्शन यूज़ करते हो, राइट। प्रिंट अंडरस्कोर आर से तुम एरे को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो या अगेन इसके बारे में तुम नेट पर सर्च कर लेना। और अगेन मैं बता रहा हूँ, जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी तक इसमें बताए हैं, सभी कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, राइट। तो या तो ये पीएचपी में तुम्हें जितने कॉन्सेप्ट्स अभी मैंने बताए इतना तो आना ही आना चाहिए, साथ में अगर तुम एक्स्ट्रा सीखते तो वो तो बोनस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। बट इतना जो चीज़ है ये तो तुम्हें आना ही चाहिए, राइट। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि MySQL में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो मैं आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट क्वेरी, तुम्हें पता होनी चाहिए कैसे वर्क करती है, क्या होती है। देन कुछ फंक्शन है इसके अंदर, काउंट फंक्शन हो गया, जी हाँ, मैं पीएचपी की बात नहीं कर रहा, MySQL की बात कर रहा हूँ। ये क्वेरी में हम ये लिखते हैं काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, डिस्टिंक्ट फंक्शन, ये तीन फंक्शन बहुत ही मेजरली पूछे जाते हैं, मेजरली यूज भी होते हैं, तो बहुत सारे बार इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो इसलिए काउंट, सम और डिस्टिंक्ट, ठीक है, इन फंक्शंस का यूजेस पढ़ लेना। देन उसके बाद आता है जॉइन। जॉइन बेसिकली क्या होता है, दो तरह के टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जॉइन का बहुत ज़्यादा यूज़ इस चीज़ में भी होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, इसके अंदर यूज़र आईडी है, ठीक है, यूज़र आईडी है, और यहाँ पे उस यूज़र की सैलरी है, ठीक है, यहाँ पे यूज़र आईडी है 1, 2, 3, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो क्वेरी है उसके थ्रू मैं ये डेटा गेट करूँ, साथ में यूज़र आईडी ना प्रिंट करवा के जिस यूज़र की आईडी है उसका नेम यहाँ से प्रिंट करूँ, जो कि दूसरे टेबल में स्टोर्ड है। यहाँ पे ये यूज़र की आईडी है 1, 2, 3, और यहाँ पे नेम स्टोर्ड है, राइट। तो मैं चाहता हूँ
कि जब मैं प्रिंट करवाऊँ इसका डेटा तो साथ में ये सैलरी है और यहाँ पे आईडी की जगह इसका नेम है। तो ये चीज़ कैसे करते हैं, तो ये चीज़ हम जॉइन का यूज़ करके करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए जॉइन का यूज़ क्या होता है। जॉइन का यूज़ और भी चीज़ों के लिए किया जाता है, ऑल्टरिंग करने के लिए टेबल को, बट तुम जब इसको सर्च करोगे, तुम डब्ल्यू टी स्कूल पर जाकर सर्च कर लो, तुम्हें आराम से इसके बारे में अच्छे खासा एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि ऑर्डर बाय। मतलब जब देखा होगा तुम, हम कोई भी डेटा अगर डेटाबेस में इंस्टॉल करवाते हैं तो साथ में एक आईडी रखते हैं जो कि ऑटो इंक्रीमेंट में होता है, राइट। तो हम जब डेटा गेट कराते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, जो कि सबसे पहले डेटा क्रिएट किया गया होगा वो सबसे ऊपर रिटर्न होता है, और जो सबसे लास्ट में डेटा क्रिएट किया गया होगा सबसे लास्ट में रिटर्न होता है, ठीक है। तो अगर इसका ऑर्डर हमें चेंज करना है तो हम ऑर्डर बाय फंक्शन का यूज़ करते हैं। देन लिमिट, हमें अगर जैसे डेटाबेस में मान लो 1000 डेटा है, राइट, मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो 1000 डेटा देगा, तो अगर मैं लिमिट लगाना चाहता हूँ कि 1000 ना दे, स्टार्टिंग के सिर्फ 10 दे, तो मैं लिमिट फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज़ हैं, क्वेरीज रिलेटेड फंक्शंस हैं, राइट, तो तुम्हें पता होनी चाहिए अच्छे से। अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, राइट। मतलब ये तो MySQL और PHP में तुम्हें इतना आना ही चाहिए, इसमें कोई ऑप्शनल चीज़ें नहीं है, सारी कंपलसरी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट, यानी बोनस भी कह सकते हो उसे, ठीक है। तो देखो कंपनी किस टाइप के प्रोजेक्ट्स देखती है, जैसे कंपनी किसी को भी जॉब के लिए बुलाती है और जब इंटरव्यू ले रही होती है तो वो जिनके भी इंटरव्यू लेते हैं उनमें से वो किस टाइप, मतलब क्या उम्मीद बना के बैठे रहते हैं कि बंदे ने किस टाइप का प्रोजेक्ट किया होगा। बेसिकली अगर तुमने कोई क्रड एप्लीकेशन बना दिया है और तुम कह रहे हो देखो मैंने ये बनाया, तो वो बेसिकली बहुत ही बेकार चीज़ होती है। कंपनी ये देखती है कि बंदा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाता है कि नहीं, जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, राइट, कोई मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हो गया, कोई ई टिकट की वेबसाइट हो गई, या कोई नेटवर्क मार्केटिंग की वेबसाइट हो गई, राइट, कोई वीडियो स्ट्रीमिंग साइट हो गई, ऐसा कुछ बंदे ने बनाया है कि नहीं, जिसमें बनाने में टाइम ज़्यादा लगता हो, जो एक दिन या कुछ घंटों में बना दिया जाए, वो प्रोजेक्ट्स कंपनी को कुछ खास लगते नहीं है। बट जिन प्रोजेक्ट्स में एक महीना लगाओ या 15 दिन लगाओ, 2 हफ्ते लगाओ, 3 हफ्ते लगाओ, जिसमें टाइम लगाओ, राइट, क्योंकि जो रियलिटी में कंपनीज के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक चलते हैं, राइट, क्योंकि वो टुकड़ों में बटे होते हैं, लोगों में सब फिर बना के साथ में कंपाइल होते हैं। तो वो कंपनी ये देखना चाहती है कि बंदा मतलब लॉन्ग टाइम तक सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है कि नहीं, राइट। तो अगर तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट बनाना है तुम्हें, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाना जिसे बनाने में ज़्यादा समय लगे, जैसे कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, कोई मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हो गया, राइट, जैसे कि कोई सिनेमा हॉल्स में जो टिकट बुक करते हैं, सीट बुक करते हैं, उनका कोई सिस्टम हो गया, या कोई वीडियो स्ट्रीमिंग साइट हो गई, राइट, या कोई सोशल मीडिया टाइप कुछ वेबसाइट हो गई। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स तुम बना सकते हो, ठीक है। बहुत ही, मेरे को पता है, देखो जब आप, बहुत सारे लोग कहेंगे मैं तो फ्रेशर हूँ, राइट, ये तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मैं कैसे बना पाऊँगा। तो देखो जब तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, राइट, तो तुम्हें पता है कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, राइट, तुम्हें पता है कि क्या कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे काम करती है। अब जब तुम्हें प्रॉब्लम आएगी तुम गूगल करोगे, सोल्यूशन मिलेगा, देन उसको इम्प्लीमेंट करोगे, इससे तुम सीखोगे भी, राइट। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाने का मकसद ये है। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें नहीं आता तुम बनाओगे नहीं, कभी ना कभी तो सीखना है, तो स्टार्ट कर दो अभी से ही, राइट। तो दैट्स वाई तुम्हें एक ऐसा प्रोजेक्ट चुनना जो कि लंबा हो, राइट, जो टाइम ज़्यादा ले और जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, सेशन यूज़ हो रहे हैं, कुकीज़ यूज़ हो रहे हैं, लॉगिन साइन अप यूज़ हो रहा हो, ईमेल वेरिफिकेशन यूज़ हो रहा हो, राइट, तो ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। साथ में यहाँ पे अब जो हम तुम साइट जब ये बना लोगे तो इसको लोकल होस्ट पे दिखाना मत, कि कहना कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया उसे लोकल होस्ट पे रखा, ऐसा मत कहना। जो तुम बनाओ प्रोजेक्ट उसे रियल होस्टिंग पे रखो। अब बहुत सारे बोलेंगे भाई साहब पैसे नहीं होते, हम फ्रेशर लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, पैसे कहाँ से लाएंगे। तो देखो बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो फ्री में होस्टिंग और फ्री में डोमेन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे 000 वेब होस्ट है, ठीक है, वो तुम्हें एक फ्री होस्टिंग प्रोवाइड कराता है, साथ में एक फ्री सब डोमेन भी प्रोवाइड कराता है, तुम साथ में डेटाबेस सब। तो वहाँ पर अपनी साइट होस्ट करना, क्योंकि जब तुम साइट होस्ट करोगे ना तभी तुम्हें डिफिकल्टीज आएंगी कुछ, तो फिर तुम उसको सॉल्व करोगे गूगल करके, राइट। तो तुम वो चीज़ सीखोगे, क्योंकि जब रियल कंपनी जो होती है ना वो देखेंगे कि तुमने अपनी साइट को इंटरनेट पे डाल रखा है, मतलब होस्ट कर रखा है एकदम ऑफिशियली, तो उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि तुम्हें पता है कि कैसे सी पैनल वर्क करता है, कैसे होस्टिंग वर्क करती है, राइट, FTP मतलब फाइल मैनेजर कैसे खोलते हैं, अपलोड कैसे करते हैं साइट को इंटरनेट पे, सब चीज़ें तुम्हें पता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी तुम अपना कोई प्रोजेक्ट दिखा रहे हो किसी कंपनी को तो वो किसी रियल होस्टिंग पे दिखाना, लोकल होस्ट पे मत दिखाना। देन हम आते हैं FileZilla FTP पे। अब बहुत सारी कंपनीज़ में क्या होता है, ज़्यादातर कंपनीज़ में क्या होता है कि FileZilla यूज़ करते हैं। FileZilla बेसिकली क्या है, एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब फाइल ट्रांसफ़र FTP का एक टूल है, जिससे बेसिकली हम अपने होस्टिंग का जो डायरेक्टरी है उसे अपने सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं एंड देन उसको एडिट करते हैं। तो सभी कंपनीज यूज़ करते हैं। तो जब तुम किसी कंपनी में जाओगे तो लोकल होस्ट में तुम्हें बहुत ही रेयरली होगा कि लोकल होस्ट में तुम्हें काम करवा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम FileZilla में काम कर रहे थे, FileZilla से डायरेक्ट डायरेक्टरी
खुलती है और उसी डायरेक्टरी को डायरेक्ट हम अपने एडिटर में खोल के देन वहाँ से एडिट कर करके अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो फाइल जिला सीख लेना, यूट्यूब पे सर्च मार लो मिल जाएगा तुम्हें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री में अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे तो हो गई ये सब चीज़ें, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो सब चीज़ें बताई हैं जो तुम्हें आनी ही चाहिए अगर तुम एज अ फ्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें अच्छी खासी जॉब मिल जाए किसी भी अच्छी खासी कंपनी में। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखो बेसिकली कंपनीज़ के लिए क्वालिफिकेशन आज के टाइम पे मैंने देखा सभी कंपनीज़ के लिए उतना मैटर नहीं करता, बट अच्छा होगा कि अगर तुम ग्रेजुएट हो या तुम्हारा फाइनल ईयर है, ठीक है, बट तुम काम करना चाहते हो तो बहुत सारी कंपनीज़ दे देती हैं अगर तुमने ग्रेजुएशन कर भी रहे हो, परस्यू कर रहे हो, अभी कंप्लीट नहीं किया तो भी दे देती हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे पास BA BCA नहीं है या BTEC नहीं कर रखा मैंने, इट्स ओके, डजेंट मैटर, कंपनीज़ के लिए मैटर नहीं करता जब तक तुम्हारे पास स्किल है, राइट। तुम्हारे पास स्किल नहीं है देन इन केस तुम्हारी डिग्री तुम्हें बचा सकते, बट अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा स्किल है देन डिग्री कुछ भी डजेंट मैटर, मेरे हिसाब से तो मैटर नहीं करता, बाकी मे भी कहीं कहीं मैटर करता हूँ, आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज तुम्हारा स्किल देखती हैं, तुम्हारा प्रोजेक्ट देखती हैं, राइट। इंटरव्यू के टाइम पर देखते हैं कि तुम कैसे कितने जल्दी से आंसर देते हो, कितने अच्छे से समझा पाते हो कॉन्सेप्ट्स को, तो ये चीज़। और नर्वस बिल्कुल मत होना, राइट, इंटरव्यू की प्रैक्टिस है, नहीं कि इंटरव्यू तो थोड़ा कन्फ्यूज हो। तो अब ये सब चीज़ें सीखने के बाद, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना एक CV बनाना है, ठीक है, आराम से बना लोगे वर्ड पे, जिन्हें नहीं आता दुकान से बनवा लेना, 10-20 रुपये में बना देता है तो ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो अपना LinkedIn पे प्रोफाइल बनाना है। LinkedIn क्या है बेसिकली, तो LinkedIn पढ़े लिखे लोगों का फेसबुक है, यहाँ पे तुम्हें कंपनीज मिलती हैं बहुत सारी, राइट। तुम्हें कंपनी को डायरेक्ट अप्रोचेस कर सकते हो, कंपनी को फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो वहाँ पे जॉब ओपन है कि नहीं, अप्लाई कर सकते हो। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि तुमने सीख लिया तो एकदम मतलब जॉब कदमों पे आकर रहेगी, नहीं, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा हाथ पांव मारना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं कि जॉब है नहीं मार्केट में, बहुत जॉब है, ढूंढने वाला चाहिए बस। अब देखो यहाँ पे LinkedIn पे बनाना, ठीक है, अपना एक ऐप है जो कि मैंने बहुत सारे ऐप्स देखे हैं जहाँ पे PHP डेवलपर्स की जॉब्स हैं, राइट, बट अपना नाम का एक ऐप है जो भी हाल फिलहाल में आया, मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि यहाँ पे जॉब्स अच्छी खासी हैं, बहुत सारे लोग की लगी भी है मेरी जान पहचान में। तो अपना एक ऐप है, वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, राइट। देन इंडीड एक वेबसाइट है, इंडीड एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी अपना जो अकाउंट है वहाँ बना सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज हैं। naukri.com पे मत जाना, ठीक है, naukri.com पे मत जाना, क्योंकि मुझे ऐसी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बट यहाँ पे कंसल्टेंसी वाले बहुत हैं। तो या तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है। जो लोग ये सोच रहे कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं छोड़ देता हूँ, भाई साहब देखो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि PHP डेवलपमेंट ईजी होती है, बिल्कुल ईजी होती है, पर सिर्फ उनके लिए ईजी होती है जिनका इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग, जिनको अच्छा लगता है लॉजिक्स बनाना, बैकएंड का काम करना, प्रोग्रामिंग करना, कॉन्सेप्ट मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, लॉजिक बनाना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। जैसे तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम रख दूं मैं कि तुम्हें एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जहाँ पे अगर यूज़र रजिस्टर लॉगिन कर रहा है और वो 3 बार गलत पासवर्ड डाल दे तो उसका अकाउंट एक दिन के लिए ब्लॉक हो जाए, मतलब एक दिन के लिए ब्लॉक का मतलब अगर 3 बार उसने गलत डाल दिया देन उसके बाद वो सही भी डाले तो उसके स्क्रीन पे लिखा है कि यू आर ब्लॉक्ड फॉर 1 डे, ट्राई अगेन आफ्टर 24 आवर्स, तो कैसे बनाओगे, राइट। ये एक डिफरेंट टाइप का यूनिक प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर रहा, बट उन लोगों के लिए प्रोग्रामिंग है ही नहीं, फिर तुम सीखो ही मत, छोड़ दो। बट अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाँ यार इसे कैसे बनाएंगे, सेशन का यूज़ कर सकते हैं, नहीं कुकीज़ का यूज़ कर सकते हैं, राइट, हम कुकीज़ को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ब्राउज़र में, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, राइट, उसके हिसाब से डेटाबेस में हम अपडेट करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो सोच सकता है, जिसको मज़ा आता है सब सोचने में, उनके लिए होती है बेसिकली PHP प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी हद तक सभी चीज़ें बता दिया है। इन केस अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो नीचे कॉमेंट में कोई भी समझदार इंसान पिन कर सकता है, ठीक है, या अगर किसी को कोई भी डाउट है रिलेटेड जो भी मैंने समझाया, मे बी मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ पता नहीं, बट अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हो, चाहे मुझे मेल कर सकते हो, राइट, बट मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि तुम कमेंट ही कर दो, क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई सबसे ज़्यादा करता हूँ, इंस्टाग्राम में बहुत कम चलाता हूँ, कम ओपन करता हूँ, और ईमेल का रिप्लाई कुछ खास मज़ा नहीं आता, राइट, मैं ईमेल भेजूंगा 5 मिनट बाद, तुम ईमेल भेजोगे, फिर मैं 5 मिनट बाद ईमेल भेजूंगा, इससे अच्छा कमेंट कर दो, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई कर देता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो या तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और तुम समझ पाए होगे कि अगर तुम PHP डेवलपर एज अ फ्रेशर अप्लाई करना चाह रहे हो कहीं तो तुम्हें क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो या मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग, बाय बाय।